बनारस की मंडी में जोगेंद्र बैलों का व्यापारी था। उसके सारे बैल जल्दी जल्दी बिक जाया करते थे और इसी कारण जोगेंद्र दूर गांव में जा जाकर गाई बैल खरीदा करता था। मैं इस बैल के 15,000 ही दे सकता हूँ। 15,000 तो बहुत कम है बेटा। अरे काका, इस बैल की हालत तो देखो, कितना दुर्बल है ये। इसे खरीद कर मुझे इसे तंदुरुस्त बनाना होगा। पता नहीं इसमें कितना समय जाएगा, फिर जाकर जब मैं इसे बेचूंगा तो मुनाफा होगा। ठीक है, वैसे भी अब मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। 15,000 तो 15,000, कम से कम तुम इसका ख्याल तो अच्छे से रखोगे। दे दो। जोगेंद्र ने उस आदमी को पैसे दे दिए और वो बैल खरीद लिया। जोगेंद्र मन ही मन खुश था कि आज उसने अच्छा सौदा किया था। ऐसे दुर्बल बैलों को जोगेंद्र अपने तबेले में ले जाया करता था। वहाँ उसके नौकर इन बैलों को अच्छे से खिलाया करते थे। डॉक्टर बैलों की जांच करके उन्हें दवाई और आहार बताते थे और कुछ ही महीनों में बैलों की हालात में बदलाव आ जाता था। जब वो तंदुरुस्त दिखते थे तब जोगेंद्र इन बैलों को अपनी मंडी की दुकान में बेचा करता था। एक दिन जोगेंद्र एक छोटे से गांव में गया जहां उसे एक दुर्बल बैल दिखा। भाई, क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, पर इसे खरीदेगा कौन? ये तो बहुत ही आलसी है। इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसे अच्छा खाना नहीं मिलता। अरे खाना तो तब दूंगा ना जब ये मेरा कोई काम करेगा। ये बहुत ही आलसी है, बस खाता है और आलस करता है। मैं इसे फिर भी खरीदना चाहूँगा। अब तुम्हारी मर्जी भाई, कितना दोगे तुम इस बैल का? मैं इस बैल का 15,000 दे सकता हूँ। ठीक है तो ले जाओ। ये सौदा इतनी जल्दी हुआ ये सोचकर जोगेंद्र हैरान था। पर बैल का मालिक जानता था कि बैल बहुत ही आलसी है और वो खुद उससे छुटकारा पाना चाहता था। जोगेंद्र इस बैल को भी अपने तबेले में ले आया। अरे शंभू, इस बैल का अच्छे से ख्याल रख। जी मालिक। शंभू ने इस बैल को भी अच्छा अच्छा खाना खिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने बैल की जांच भी की और उसे इंजेक्शन भी लगाया। कुछ ही महीनों में उस बैल की हालात सुधर गई। अब तो ये बहुत ही अच्छा और मजबूत दिख रहा है शंभू। वो तो है, पर एक समस्या है। वो क्या? इस बैल को बस आराम करना पसंद है, ये जरा भी चलता फिरता नहीं है। ये कोई समस्या थोड़ी हुई। जब कोई किसान इस बैल को खरीदेगा तो वो इसे काम करवा ही लेगा। ठीक है, कल तुम इसे मंडी भिजवा दो। जी बिल्कुल। अगले दिन ये आलसी बैल मंडी पहुंचा और रोज की तरह ग्राहक आने लगे। एक किसान को एक बैल चाहिए था। अरे भाई, कोई तगड़ा बैल दिखाओ। हाँ देखिए भाई, सारे बैल अच्छे ही हैं। आपको कौन सा पसंद है आप खुद देख लीजिए। वो किसान सारे बैलों को देखने लगा और उसको वही आलसी बैल पसंद आया। ये तगड़ा मोटा लग रहा है, इसका क्या दाम है? 35,000। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो भाई। ठीक है तो फिर आप 32,000 ही दे दो। देखो भाई, मैं 30,000 दे सकता हूँ। जोगेंद्र ने कुछ सोचा और फिर उसने सौदा कर लिया। उस किसान ने जोगेंद्र को 30,000 रुपए दे दिए और जोगेंद्र ने उसे वो बैल सौंप दिया। किसान अपना नया बैल अपने घर ले गया, वहाँ उसकी पूजा की और उसे अच्छा अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन जब किसान बैल को खेत ले गया तो वो बैल चल ही नहीं रहा था। किसान ने बैल को धक्का दिया, मारा, सब कुछ कर लिया, पर बैल चलने को तैयार ही नहीं था। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया। किसान निराश हो गया। अगले दिन किसान वो बैल वापस लेकर आया। ये कैसा बैल दे दिया तुमने, ये तो चलना ही नहीं चाहता है, बहुत आलसी है। ऐसे बैल से मैं खेत कैसे जोतूंगा। पहली बार को बैल वापस आया था। जोगेंद्र को पता नहीं था कि वो क्या करे। आप कोई और बैल पसंद कर लीजिए इसके बदले। हाँ यही सही रहेगा। उस किसान ने दूसरा बैल ले लिया
और आलसी बैल जोगेंदर के पास ही छोड़ दिया। उस दिन जोगेंदर अपने नौकर से बात कर रहा था। क्या कोई तरीका नहीं है इस आलसी बैल से काम करवाने का? नहीं मालिक, ये तो इस बैल की फितरत है। ये तो नुकसान हो गया मेरा। मैंने इसके 15,000 रुपए नगद दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं? उस दिन से वो बैल जोगेंदर की मंडी वाली दुकान में ही था। जब कोई उस बैल को पसंद करता तो जोगेंदर उन्हें सच सच बता देता कि वो बैल बहुत आलसी है। ऐसा करते करते 2 महीनों तक वो बैल दुकान में था। आखिर एक दिन एक गरीब किसान जोगेंदर की दुकान में आया। अरे भाई, मुझे कोई सस्ता बैल दिखाओ, कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है, मुझे मेरे खेत जोतने हैं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। कितने पैसे हैं आपके पास? यही कुछ 15,000। इतने में तो बस ये आलसी बैल ही आएगा, लेकिन ये तो बहुत तंदुरुस्त लगता है। अब क्या बताऊं, मैंने इसे खिला पिला कर तंदुरुस्त तो कर दिया, पर ये बहुत आलसी है, खेत में एक कदम भी नहीं चलता। सच बोलूं तो ये अब तक का मेरा सबसे बुरा बैल है। मुझे चलेगा, मैं इस आलसी से भी काम करवा ही लूंगा। कई लोगों ने कोशिश की है, अब तक किसी से भी संभव नहीं हुआ। तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। अब भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मेरे पास बस 15,000 ही तो हैं। हाँ, वो भी है। केशव ने जोगेंदर को 15,000 दे दिए और वो आलसी बैल खरीद लिया। केशव बैल को घर लाया। केशव की पत्नी ने बैल की पूजा की और बैल को भोजन भी करवाया। ये बैल तो बहुत मजबूत लग रहा है, पर आपके पास तो 15,000 थे ना? ये 15,000 का ही है। इसमें एक समस्या है कि ये आलसी है। हे राम, एक आलसी बैल से कैसे खेत जोतेंगे आप? वैसे भी बरसात आने में अभी कम समय रह गया है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। केशव अपने बैल को लेकर अपने खेत गया। उसने बैल के कंधे पे हल रखा और फिर बैल को चलाने की कोशिश करने लगा। चल 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 मेरे राजा, चल। बैल ने अपने कदम तक नहीं हिलाए। केशव ने बैल को धक्का मारा, फिर भी वो बिल्कुल नहीं हिला। काफी देर तक प्रयत्न करने के बाद केशव थक गया और सोचने लगा। तभी केशव की बेटी नंदिनी अपने बाबा से मिलने खेत में आई। नंदिनी के हाथ में एक मकई थी। मकई देखकर आलसी बैल तुरंत नंदिनी के पास दौड़ पड़ा। ये देखकर केशव दंग रह गया। ऐसे ये चल नहीं रहा था, पर मकई देखकर दौड़ने लगा। तभी केशव के दिमाग में एक युक्ति आई। केशव ने एक मकई को लकड़ी पे बांधा और उसे बैल के मुंह के आगे लटका दिया। बैल मकई खाने के लिए आगे आगे चलता रहा, पर वो मकई तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस तरह केशव ने बैल से सारा खेत जुटवा लिया। जब उसका काम हो गया तो केशव ने वो मकई बैल को दे दी। अरे ये क्या, तुझे ढेर सारी मकई खिलाऊंगा। अब यही तरीका है तुझसे काम करवाने का। कौन कहता है कि आलसी बैल से खेत नहीं जुतवा सकते? केशव ने एक ही दिन में पूरा खेत जोत लिया। शाम को जब वो अपने घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। क्या बात है, आज आप बहुत खुश है? हाँ, आज मेरा पूरा खेत एक ही दिन में जोत दिया। कल बस अब बीज बोने हैं। एक दिन में? पर आपने तो कहा था ये बैल आलसी है। वो तो ये है, सुबह से दोपहर तक मैंने बहुत कोशिश की इसे चलाने की, पर एक कदम तक नहीं हिला। पर फिर इसने नंदिनी के हाथ में मकई देखी और दौड़ने लगा। बस मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई और मकई को रस्सी से बांधकर मैंने इसे पूरा खेत जुतवा लिया। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कौन कहता है कि आलसी से कोई काम नहीं करवा सकता? जरूरत तो बस आपके जैसी बुद्धि की है। धन्यवाद, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। केशव का परिवार खुश था क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। उनके खेत जुत गए थे और उन्हें आलसी बैल से काम करवाने का रास्ता मिल गया था।